press the bell icon on the YouTube app and never miss. अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी। और ये दोनों मिलके वक्फ बोर्ड का जो लैंड जिहाद है और कैसे वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया उसको आज एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, और आज स्पेशल स्वागत है हम दोनों का आपके प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल स्पेशल, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस पर हमने पहले भी बात की है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हमने बहुत विस्तार से एक प्रोग्राम किया था और तब आपने कहा था कि इसे खत्म होना चाहिए, लेकिन चलिए आज ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन 40 अमेंडमेंट के साथ इस पर लगाम लगाने की पहल तो शुरू करने जा रही है मोदी सरकार। मुझे बहुत खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए, और गाहे बगाहे मुझे जब जब मौका मिला है, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है, मैंने कई आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ एक लैंड माफिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि जैसे 1936 के शरिया लॉ जो जिन्ना और ब्रिटिश ने बनाया था उससे बड़ा लगाव है मुसलमान समाज को, उसी तरीके से 1931 के एस्टैब्लिश किए गए वक्फ बोर्ड से जो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था उससे भी बड़ा लगाव है हमारे मुसलमान समुदाय को। हालांकि 1954 में वक्फ बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, फिर 1995 और 1994 में उसमें काफी अमेंडमेंट्स और काफी चीजें उसमें जोड़ी गई, लेकिन वो सारी चीजें लैंड माफिया के कारनामों को अंजाम देने के लिए और विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ संविधान, ये प्रावधान उनको बिल्कुल खुली छूट में दिए गए थे। आज इस देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है और उसके बाद आर्मी आती है। तो मैंने इस बात को बहुत बार रखा है और आज जो डिटेल्स और आंकड़े मैं आपको देने वाली हूँ, सुनने वाले व्यूअर्स की आंखें फट जाएंगी कि इतना बड़ा घपला और इतना बड़ा लैंड माफिया चल रहा था जो दुनिया को पता नहीं था, इस देश के लोगों को पता नहीं था, जो आंकड़े मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन नाज़िया जी, मैं आपकी बातें सुनती रह गई, मुझे लगा आप अपने आंकड़े बताने जा रही हैं और मैं सवाल ही पूछना भूल गई, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इतने दिनों से ये धंधा चल रहा था। आप देखो ना, जैसी खबर आई है कि अमेंडमेंट ला रही है मोदी सरकार, बिल रखा जाएगा कल सोमवार को सदन में, तो उसके बाद ओवैसी जी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार बहुत काम करती है, 3 तलाक के खिलाफ काम किया, 370 को हटाया गया, जब देखो इनके टारगेट पर मुसलमान ही रहते हैं। तो इतने बड़े लैंड माफिया के साथ इन सबको भी तो फायदा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की रही होगी वो बाद में इनको भी तो मिल जाती है सर, क्योंकि कहा जाता है ना दिल्ली में तो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टी निजी हाथों में चली गई। क्यों, हमें तो याद है ना कि 123 बड़ी प्रॉपर्टी भारत देश की जो सरकार के अंडर में कभी हुआ करती थी, 2014 के लोकसभा इलेक्शन से 4 दिन पहले मनमोहन सरकार के नेतृत्व में सोनिया एंटोनियो जी ने और राहुल गांधी जी ने जाकर के वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दिया था। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम समुदाय का वोट चाहिए था इसलिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी बातें लेकर के गई थी और उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने नल एंड वॉइड किया था, हालांकि ये मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायपालिका में चल रहा है। अब आती है बात कि आपने असदुद्दीन अवैसी की बात छेड़ दी है, तो असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई छोटे का की एक स्पीच याद कीजिए, उसने कहा था अरे मुसलमान क्या नहीं कर रहा है इस देश के लिए, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो भी वक्फ बोर्ड का है। याद आया आपको? अब आती है दूसरी बात कि अभी हालिया में, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2022 की बात है, 2022 में एक शॉपिंग मॉल पे वक्फ बोर्ड ने, हैदराबाद का ही एक शॉपिंग मॉल पे वक्फ बोर्ड ने धाबा बोल दिया और कहा कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, जब केस जो है वो टर्मिनल से उठ करके वक्फ बोर्ड के कोर्ट से उठ करके जब वो हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कहना पड़ा
कि आप सरकारी प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, इसमें हम इंटरवीन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आती है बात कि अभी मैं न्यूज डिबेट पर थी, अजहरी रशीदी ने तो बहुत बदतमीजी स्टार्ट कर दी एंकर के साथ, क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि मैंने वक्फ बोर्ड एक्ट के कुछ ऐसी धाराएं वहां पर डिस्कस कर दिया जिसका जवाब उसके पास नहीं था। और मैं देखिए अभी अरबी का वक्फ बोर्ड का कानूनी एक्ट लेकर के बैठी हुई हूँ, जो उनके उनके यहाँ इसी से केस देखे जाते हैं, कोई संविधान की किताब से केस नहीं देखा जाता है, इस अरबी किताब से उनके यहाँ केस देखा जाता है। अब आती है बात, मैं धीरे धीरे आपको पूरा खोल के बता रही हूँ कि सारे मुस्लिम क्लेरिक प्रेचर और सब अभी इकट्ठा होकर के कहेंगे कि वक्फ बोर्ड में वही प्रॉपर्टीज होती है जो कोई अल्लाह की राह में डोनेट करता है। ये बात कहेंगे, ये कहते हैं। अगर अल्लाह की राह में डोनेट कर दिया कोई व्यक्ति तो फिर 80% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर काहे को केस चल रहा है, काहे को सर्वोच्च न्यायपालिका में चल रहा है, काहे को हाई कोर्ट में चल रहा है, क्यों हो रहा है? 80% प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के जो कैप्चर करके ग्रैब करके रखा हुआ है उस पे तो केसेस चल रहे हैं। अब आती है बात कि वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल भी वक्फ बोर्ड का, कोर्ट भी वक्फ बोर्ड का, एडवोकेट भी वक्फ बोर्ड का, जज भी वक्फ बोर्ड का और जजमेंट भी वक्फ बोर्ड का, सब कुछ उनका, सारा सिस्टम उनका। और ये मैं अपनी मुंह से नहीं बोल रही हूँ, जो बुक मैंने आपको दिखाई है वो उस बुक से मैं बोल रही हूँ। अब आती है बात कि 80% प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की है 1947 से उठाइएगा और 1954 पे आइए, फिर 1995 पर आइए और फिर 2024 पर आ जाइए, 80% प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड ने हड़प करके रखी हुई है वो स्नैच की हुई है, वो ग्रैब की हुई है। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अभी इस वक्त 2023 और 24 के आंकड़े अभी आए नहीं है, मैं 22 और 23 का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, इसको भी मैं आपको तोड़कर बताऊंगी कि कितना फोर्सिबली है और कितना इन्होंने किसका किसका हड़पा है। अब आती है बात कि वक्फ बोर्ड द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, लैंड ओनर बाय लैंड ओन्ड बाय फोर्स्ड 17.99 लाख एकड़, 7280.29 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने बाय फोर्स लिया है, जबरदस्ती कब्जा किया है। नाजिया जी मैं भूल जाऊं, इससे पहले एक तमिलनाडु के गांव को, पूरे के पूरे गांव पर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे ये। अंजू जी मैं आपको सारे रेफरेंसेस दूंगी, बहुत सारे केसेस के आज मैं आपको रेफरेंसेस दूंगी, क्योंकि मेरे 5 साल बोलने के बाद तो पहली बार 40 अमेंडमेंट आए हैं, तो मैं अंदर से खुश हो रही हूँ। अब आती है लैंड ओन्ड बाय रेलवे, मतलब रेलवे से छीना है वक्फ बोर्ड ने, 12.09 लाख एकड़, 4860 स्क्वायर किलोमीटर ये रेलवे का हड़प करके बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड, जिस पर भी केसेस चल रहे हैं। अब आती है ओन्ड बाय 8 लाख एकड़, जब हम चले जाते हैं 1995 में 8 लाख एकड़ तब तक हड़प कर चुका था, ले चुका था, ठीक है। अब आपने एक बात कही कि तमिलनाडु की, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली 2023 का की बात है, तमिलनाडु का एक किसान था जो अपनी बेटी के विवाह के लिए अपने खेत को बेचना चाह रहा था। वो रजिस्ट्रार के पास गया और उसने कहा कि मेरी इस प्रॉपर्टी को, इस खेत को मुझे बेचना है क्योंकि मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है, शादी करनी है। जब रजिस्ट्रार ने उसके पूरे खाते निकाले तो उसने कहा कि इस पर तो वक्फ बोर्ड का नोटिस आया हुआ है, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आप बेच नहीं सकते। वो किसान अब वो किसान अपनी बेटी का की शादी को 1 साल एक्सटेंड किया, फिर 2 साल एक्सटेंड किया, फिर 3 साल, 7 साल एक्सटेंड करना पड़ा, तब जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि ये प्रॉपर्टी और ये खेत जो है वो तो किसान का है, आप कैसे मांग रहे हो। 7 साल उस बच्ची को अपनी शादी के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ा। अब 5 अगस्त 2021 का मैं घटना बता दे रही हूँ, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, एक पुलिस जो है वो पकड़ करके दिल्ली एनसीआर में एक रिपोर्टर को पीट रहा था, सारे परेशान हो गए, वायरल वीडियो है कि भाई क्यों पीट रहा था। वो जो रिपोर्टर था
वो दिखा रहा था कि फ्लाईओवर के ऊपर में मजार बनाने की रात में, अंधेरी रात में कोशिश की जा रही थी और वर्कबोर्ड का बोर्ड लगाने की कोशिश की जा रही थी, जो उस पत्रकार ने कैप्चर कर लिया था अपने वीडियो में। तो पुलिस क्योंकि पपेट्स होते हैं, पुलिस क्योंकि दलाली का काम ज्यादा करते हैं, पुलिस के लिए वर्दी से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा होता है, तो उस रिपोर्टर से उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश कराई गई थी। लेकिन मीनवाइल उसी दौरान में उसने उसको लाइव पोस्ट किया और बात चली गई कोर्ट तक, तब जाकर के पता चला कि इसको तोड़ो, ये तुम जबरदस्ती बना रहे हो। अब आती है बात कि जस्टिस नरसिम्हा ने ये जजमेंट दिया था 16 मई 2024 को कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर ऐसे धावा नहीं बोल सकता है, जब तक उसकी सही से जांच ना हो जाए, जब तक दोनों पक्षों की बात ना सुन ली जाए, तब तक वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को उठा करके अपना ये नहीं लगा सकता है, बोर्ड नहीं लगा सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाज़िर अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन और उनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िर अली खान जी ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो लैंड जिहाद है उसको एक्सपोज किया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे प्लान्ड और इलीगल तरीके से ये जमीनों पे कब्जा करते हैं। वक्फ बोर्ड ने ना कोई गांव छोड़ा, ना कोई शॉपिंग मॉल, ना कोई थिएटर, ना कोई रेस्टोरेंट, बल्कि मंदिर गांव से लेके पूरी की पूरी रेलवे की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड जो है वो हड़प गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।